बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ मसाला मटन चॉप्स ईद स्पेशल। बहुत ही मज़े की बनती हैं, डिफरेंट हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं। लाजमी बनाइएगा, फिर आप इसको बार बार फरमाइश पे बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो चॉप्स, 1.5 चम्मच पीसी लाल मिर्चें, 1 चम्मच हम डालेंगे नमक का। इसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, वॉर्सटरसाइज सॉस 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1/1 खाने का चम्मच डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए रख दें या आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब हम लेंगे एक पैन में 1/2 कप ऑयल, 2 मीडियम प्याज, इसको हमने पिंक होने तक पकाना है प्याज को। अब डालेंगे जीरा 1 चम्मच। ये डालने के बाद प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। इसके बाद हम डाल देंगे चॉप्स, चैंपियन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी, इसको डाल के हमने अच्छे से मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही। दही डालने के बाद हमने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, पिसी लाल मिर्चें 1/4 चम्मच, पेपरिका पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, ये डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम डाल देंगे पानी 2 ग्लास। पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कवर करके हमें इसको लो फ्लेम पे पकाना है 40 से 50 मिनट के लिए या जब तक चैंपियन गल ना जाए। सबज मिर्चें डालेंगे 3 अदद। अब हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, तब तक पकाना है जितनी हमें ग्रेवी चाहिए तब तक पकाएंगे। लास्ट में हम डाल देंगे सबज धनिया, गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच और लीमू का जूस 1 खाने का चम्मच, ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखने में ही इतना अच्छा है तो जायके में कैसा होगा। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।